This video is brought to you by Ustara. गाबा टेस्ट, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 369 में समेट दिया। फिर बारी आई बल्लेबाजी की, शुभमन गिल और रोहित शर्मा क्रीज पर आए। सिडनी टेस्ट में दोनों ने भारत को अच्छी शुरुआत दी थी, उम्मीदें बढ़ी हुई थी, लेकिन इस बार भारतीय सलामी जोड़ी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। सातवें ओवर की दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल आउट हो गए, उन्हें पैट कमिंस की गेंद पर स्टीव स्मिथ ने लपका। दूसरी स्लिप में कैच आउट होने से पहले गिल महज 7 रन ही बना सके। हालांकि दूसरे छोर पर रोहित अच्छी लय में दिख रहे थे, उन्होंने चेतेश्वर पुजारा के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 53 रन जोड़े भी, लेकिन तभी 60 के टोटल पर कुछ ऐसा कर गए जिस पर किसी को भरोसा नहीं हुआ। भारत की पारी का 20वां ओवर, नाथन लायन के तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर रोहित ने बैकफुट पर जाकर खूबसूरत चौका जड़ा। अगली गेंद डॉट रही। अब आई ओवर की 5वीं गेंद, रोहित ने पहले ही इसे उड़ाने का मन बना लिया था। वो आगे की तरफ आए लेकिन लायन ने उन्हें फ्लाइट से चकमा दे दिया। रोहित बॉल की पिच तक नहीं पहुंच पाए, हालांकि इसके बावजूद उन्होंने बॉल को हवा में उछाल दिया। लॉन्ग ऑन पर उठी इस बॉल को मिशेल स्टार्क ने आसानी से लपक रोहित को वापसी की राह दिखा दी। रोहित का आउट होने का तरीका बेहद निराशाजनक था। क्रिकेट फैंस के साथ साथ क्रिकेट के दिग्गज भी इस पर भड़कने से खुद को नहीं रोक पाए। चैनल 7 के लिए कॉमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर ने रोहित के आउट होने के तरीके पर अपनी कॉमेंट्री में कहा, क्यों क्यों क्यों, ये एक अविश्वसनीय शॉट है, ये एक गैर जिम्मेदाराना शॉट है। लॉन्ग ऑन पर फील्डर लगा है, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर लगा है, आपने कुछ ही गेंद पहले एक बाउंड्री मारी है, आप ये शॉट क्यों खेलेंगे? आप एक सीनियर प्लेयर हैं, इसका कोई बहाना नहीं हो सकता, इस शॉट का कोई भी बहाना नहीं है। इसको देखिए तो एकदम आसान कैच, उसके बड़े बड़े हाथ हैं, वैसे मिस नहीं करेगा। एक बेवजह का विकेट, एक बेवजह का विकेट गिफ्ट कर दिया गया। बर्बादी है ये विकेट की, ये टेस्ट मैच क्रिकेट है, आपको स्टार्ट करने के बाद इसे बड़ी सेंचुरी में बदलना होता है, खासतौर से तब जब सामने वाली टीम ने 369 रन बना दिए हों। इस सीरीज में तीसरी बार है जब रोहित ने सेटल होने के बाद अपना विकेट इस तरह थ्रो किया हो। सीरीज के पहले दो टेस्ट में न खेले रोहित ने सिडनी की दोनों पारियों में 77 और 98 गेंदे खेलने के बाद अपने विकेट गिफ्ट कर दिया था। गाबा की पहली पारी में भी उन्होंने 74 गेंदें खेली, ऐसे में फैंस का उनसे निराश होना लाजमी है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी सूरज ने, मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।